हमारे साथ पैनल पर विवेक भी शामिल हो चुके हैं। विवेक, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। कल टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए हैं, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और आय में भी हमने देखा कि 32% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, और इसके अलावा रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आई है टाटा मोटर्स के लिए। तो नंबर के बाद का एनालिसिस अब आपका क्या कैसा है कंपनी को लेकर? इन स्तरों पर फ्रेश एंट्री आप देख रहे हो, जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें, अगर कोई ट्रेडर है तो टाटा मोटर्स में क्या करें? पूजा, गुड मॉर्निंग और सभी को। पहले तो मैं डिम्पी के कमेंट पे एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। कोविड के पहले एक चैनल मुझे कहता था कि चेन्नई में हमारा ऑफिस एज स्टूडियो है, उसको बंद कर दिया, सिर्फ हिंदी बोलने वाले आप अकेले आदमी हो। अब उसके बाद कोविड आया और आज के दिन जूम में सारे शोज हो रहे हैं, तो मतलब इतना इंटेग्रेशन हो गया। तो सही में वो चेन्नई दिल्ली आपको लिखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। एनीवे, देखिए, टाटा मोटर्स प्रेशर में थोड़ा सा था क्योंकि यूरोपियन असेट्स में थोड़ा उन लोग राइट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री है ये ऑन राइट ट्रैक है, मुझे लग रहा है। और इनफैक्ट अभी कल एक एनएफओ भी चल रहा है, एक म्यूचुअल फंड का, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड है, वो उसका पैसा भी टाटा मोटर्स में आगे चल के मेरे हिसाब से काफी आएगा। तो स्टॉक स्ट्रांग है और उस ट्रैक पे है जहाँ पे वो लोग अपना कर्जा पूरा जीरो करके और एक मतलब एकदम रेड टू व्हाइट में आ जाए, मतलब इन द सेंस ब्लैक में आ जाए और डेट फ्री हो जाए कंपनी। तो जैसे जैसे उस साइड में ये कंपनी प्रोग्रेस करेगी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा। तो अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि 1,000 रुपये का स्टॉक होना चाहिए और सब कुछ बराबर जा रहा है। ठीक है, यूरोपियन इश्यूज थोड़े बहुत है, लेकिन वो सब आई थिंक हिस्ट्री हो जाएंगे थोड़े दिन में। तो बाई रेटिंग रहेगी फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में न्यूज फैक्टरिंग हो चुकी है, तो कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा रैली आए यहाँ से, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ। तो लॉन्गर टर्म के लिए टाटा मोटर्स पर बेहतरीन स्टॉक है, और नतीजों पर भी वो दिखाई दिया, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी शानदार यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही हैं। सीमेंट है, आप एक बार इसको जरा स्क्रीन पे लेके आइए, इसके नंबर्स। और अक्षय, जरा आप इसको जरा चेक कीजिएगा, मैं पैट बता देता हूँ। मुनाफा इनका 50% से ज़्यादा बढ़ा, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा, मार्जन्स करीब करीब 1.5% बढ़े और आय करीब 15% बढ़ी है। नंबर्स फ्रंट पे तो ठीक दिख रहे हैं और आगे जो उन्होंने आउटलुक दिया वो भी कह रहे हैं पॉजिटिव रहेंगे। कुल मिला के मैनेजमेंट और नंबर्स दोनों साउंड गुड कर रहे हैं। एक बार जरा बताइए, चार्ट भी साउंड गुड कर रहा है क्या? ठीक चलेगा अगर जेके लक्ष्मी? जी डिम्पी जी, अगर चार्ट पैटर्न देखे आप जेके लक्ष्मी सीमेंट का, तो एक रेंज में सीमित रहने के संकेत दे रहा है। 700 अपर एंड ऑफ द बैंड है और 650 लोअर एंड ऑफ द बैंड है। काफी टाइम से रेंज में सीमित रहा है। शायद रिजल्ट के बाद एक अपसाइड हल्का सा आपको जर्क दिखने में मिल सकता है 690 के आसपास, पर मुझे 700 के ऊपर ही कंफर्ट मिलेगा जेके लक्ष्मी को बाय करने में। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच में रखिए। तो टेक्निकल पे कुछ ऐसा ज्यादा बहुत ही अग्रेसिव बुलिश संकेत फिलहाल नहीं बन रहे हैं जेके लक्ष्मी सिंह। ठीक है।